तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का फोर्थ मैच और टूर्नामेंट का 84वां मैच जो कि खेला जाएगा NYSKC वर्सेस कियाम्बू प्लकर केसी के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई इसमें आपका लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो इजीली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग कर सकते हो, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहां से स्किप नहीं करना है। अब अगर बात करें मैच के बारे में तो भाई मैच काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर NYSKC वर्सेस कियाम्बू प्लकर्स के बीच में, क्योंकि दोनों ही टीम्स भाई बिल्कुल वीक टीम नजर आई है इस सीजन अभी तक और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई बाहर हो चुकी है इस सीजन से, मतलब आगे जो प्लेऑफ वगैरह होंगे उनमें भाई क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई यहां पर आपके लिए 20 लाख रुपए की जीएल लगी हुई है, इस जीएल में आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो, बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो क्या है कि वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो ना तो भाई आपको जीएल के ट्रंप कार्ड प्लेयर पता लग जाएंगे, प्लस स्मॉल लीग के डिफरेंशियल पिक्स, प्लस स्मॉल लीग की जो टीम रहेगी ना, जो प्रिडिक्शन टीम रहेगी वो आपको यहां पर मिल जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम होगी, फाइनल अपडेट होगी दोस्त, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और उन सबसे भी बढ़ के भाई आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम इस मैच की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी दिया है। कल भी यहां पर आप देखिए वन साइडेड विनिंग हमने की थी, क्रिकेट हो कबड्डी हो हर जगह आपके भाई ने अल्ट्रा क्लीनशिप करवाया था, प्लस जो जीएल मिनी जीएल है ना वो भी आपके भाई ने, कल मिनी जीएल हमारी लगी थी कबड्डी में, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहां से भाई, यहां पर भाई आप देख सकते हो ये जो हमारी मिनी जीएल थी ना 1 लाख रुपए की, ये भाई हमने क्रैक की थी और वन साइडेड विनिंग यहां पर आपके भाई ने की थी। अब अगर बात करें भाई यहां पर कि अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, तो भाई आपको सीधा टेलीग्राम ऐप ओपन करना है, सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर एट द रेट केपीएम टीम सीधा सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे ना आपको जो टॉप पर चैनल दिखेगा ये हमारा चैनल है, बाकी जो नीचे चैनल दिख रहे हैं ना ये फेक चैनल है, इनके ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर कि जो हमारी टीम रहेगी उसमें कौन से प्लेयर रहेंगे, क्या कुछ रहेगा, उससे पहले एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर NYSKC की बात करेंगे तो 14 मैच में से मात्र 2 मैच इन्होंने विन किए, 11 मैच ये हार के आ रहे, 1 मैच भाई इनका नो रिजल्ट रहा था। स्कोर डिफरेंस की बात करें तो -87 का इनका स्कोर डिफरेंस है। अब जो दूसरी टीम है उसकी भी बात करनी काफी ज्यादा जरूरी, जो कि भाई कियाम्बू प्लकर्स, ये 12वें नंबर पर है, इन्होंने 13 मैच खेले, मात्र 1 मैच जीता, 12 मैच हारे और -173 का स्कोर डिफरेंस लेकर चल रहे हैं, जो कि भाई काफी ज्यादा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोनों टीम्स ऑलमोस्ट बाहर हो ही चुकी है। अब अगर बात करें भाई टीम की तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब जो यहां पर टीम बनाएंगे ना उसमें भाई आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो अब यहां से है ना वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा यार, क्योंकि आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। अब अगर बात करें सबसे पहले भाई यहां पर NYSKC की टीम की, तो इनकी तरफ से ए ओगवांग दिखेंगे आपको, जो लास्ट के कुछ मैचेस में फ्लॉप रहे लेकिन उससे पहले भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से दे रहे थे, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंशियल पिक का काम जरूर से आपकी टीम में कर सकते हैं, ट्राई जरूर से कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें एल वानियामा की, तो एल वानियामा भी भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप है ना इन्हें जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की पिक रहेंगे बट जीएल मिनी जीएल में आपके लिए काफी अच्छी विनिंग करवा सकते हैं। अब अगर भाई यहां पर बात करें इनके अलावा जी कागुन्या दिखेंगे, अगर ये खेलते हैं ना स्टार्टिंग 7 में होते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रेडिंग भी करना जानते हैं और डिफेंस भी करना जानते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित होते हैं। अगर इनका दिन अच्छा हुआ तो भाई आपको 100 प्लस पॉइंट दे जाएंगे और ये आपके लिए वन साइडेड विनिंग वाली चीज होगी। अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर हो तो आप इन्हें अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज जीएल में रोटेशन के तौर पर जरूर से ट्राई करना है। ई सिमुयू की बात करें तो ये भी लगातार बीच बीच में जब भी खेले अच्छी परफॉर्मेंस दिए, इन्हें भी आप अपनी टीम में एज ए डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो। बात करें वो अगर ऑलराउंडर सेक्शन से ओ कॉफी की, तो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, देखिए
स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फ्लॉप, फिर से परफॉर्मेंस आई और फिर से फ्लॉप रहे, उसके बाद परफॉर्मेंस आई, फिर से फ्लॉप, उसके बाद भाई फिर से परफॉर्मेंस आई और उसके बाद भाई यहाँ पर फिर से फ्लॉप रहे हैं। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर अपने टीम में दूसरे प्लेयर की, जो कि रहेगा भाई जे इरुंगू। अब लास्ट के कुछ मैचेस से जे इरुंगू ने जो काम किया ना वो कोई नहीं कर पाया इनकी टीम से। देखिए स्टार्टिंग में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जब से भाई रफ्तार पकड़ी है ना गाड़ी ने, लगातार भाई चार मैच हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए रेडिंग में बंदा अकेले 29 पॉइंट लाकर दे रहा है, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बात कर लेते हैं भाई रेडिंग सेक्शन में, तो यहां पर आई मुगाम्बी दिखेंगे जो लास्ट के कुछ मैचेस में फ्लॉप रहे, लेकिन उससे पहले एक मैच में यहां पर 5 टैकल करके आ रहे हैं, है बंदा रेडिंग सेक्शन में लेकिन डिफेंस में बहुत अच्छा काम करता है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकता है। वहीं अगर बात करें बी नयाकुंडी की, तो लास्ट के 2-3 मैच खेले नहीं है, उससे पहले जब खेल रहे थे ना तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो आप इन्हें चाहो ना तो अपने टीम में ट्राई कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें एस सूरी या फिर एम मनेटो की, तो इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में रोटेशन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। चलिए अब टीम मैं आपको बना के दिखाता हूं, उससे पहले अगेन आपको याद दिला दूं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, 6 ग्रैंड लीग की टीम आपका वहां पर वेट करेंगी आफ्टर लाइनअप्स, तो आ जाइएगा भाई। अब यहां पर अगर बात करें टीम की, तो आई मुगाम्बी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। यहां से अगर भाई एक बार मैं सामने वाली टीम के आपको स्टार्टिंग 7 और बता देता हूँ, यहाँ से मैं भूल गया था कि अम्बू प्लकर्स की बात करें, तो यहाँ से है ना इनकी तरफ से एफ डेनिस आपको दिखेंगे जो लास्ट के 2-3 मैचेस में फ्लॉप रहे, लेकिन अगेन आपके लिए एक यूजफुल पिक हो सकते हैं जीएल मिनी जीएल में स्पेशली। स्टार्टिंग के मैचेज में देखिए 3 मैचेज में अच्छा करके आए, लेकिन उसके बाद भाई लगातार इनकी फॉर्म में जो डिप आया है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला है। अब अगर बात करें तो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम ये कर सकते हैं। इसके अलावा सी कोने की बात करें, तो जीएल मिनी जीएल में रोटेशन के तौर पर आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहां पर भाई इनके एक प्लेयर की बहुत अच्छी पकड़ है, जो कि है भाई यहां पर सी नाम्बुसुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों रहेंगे, क्योंकि भाई रेडिंग तो करते ही करते हैं, प्लस डिफेंस में भी आपको पॉइंट लाके दे देंगे। बी गीथजी की बात करें, तो इन्हें जीएल मिनी जीएल में रोटेशन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर यहां पर भाई डिफेंस की, तो एन नगूरे दिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये बंदा ऐसा है जो इस टीम को अभी तक मतलब एक सम्मानजनक हार दिलवा रहा है किसी किसी मैच में। अदरवाइज भाई अगर इनकी परफॉर्मेंस आप निकाल दो ना इनके सभी मैचेस से, तो भाई इनकी टीम कहीं से लेकर कहीं तक नजर नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखिए बंदे ने क्या ही किया है, हर मैच में परफॉर्मेंस है। कोई एक आधा सिंगल मैच खराब गया हो तो गया हो, अदरवाइज भाई हर मैच में परफॉर्मेंस है। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बी नगाम्बू की बात करें, तो लास्ट के काफी मैच मिस किए, उससे पहले भाई फॉर्म में आए थे, उसके बाद इंजरी हो गई और लगातार बाहर बैठे हुए हैं। भाई अगर बात करें जी गितोंडा की, तो ये भी भाई काफी मैचेस से बाहर है, इन्हें भी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। एम कियानया की बात करें, तो इन्हें भी आप अपनी जीएल मिनी जीएल की टीम में रोटेशन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। अब आ जाइए भाई, अब चलिए टीम ही बनाते हैं सीधा। तो यहां से सबसे पहले डिफेंस की बात करेंगे, एन नगूरे ए ओगवांग दोनों को मैं अपनी टीम में अभी के लिए रिकमेंड करूंगा। नीचे अगर आप चलोगे ना, तो ई सिमुयो एक बड़ा डिफरेंशियल पिक आपकी टीम में साबित हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें, तो ओ कोफी और सी नाम्बुसुआ को अपनी टीम में रखेंगे, लेकिन 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 अगर आपको सेफ जाना है ना, तो आप भाई आई इरुंगू के सॉरी जे इरुंगू के साथ जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर ओ कोफी को अपनी टीम में रखिएगा। बात करते हैं यहां पर भाई रेडिंग सेक्शन की, तो यहां से देखिए आई मुगाम्बी को आप अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा भाई यहां पर एफ डेनिस को आप सेफ्टी के लिए ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप जेन्युइनली सच में अगर आपको चाहिए ना कि कोई भाई ऐसा प्लेयर बताओ जो कुछ भी कर सके, तो वो है भाई आई कुन्या। ये बंदा है ना अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन भाई प्लेयर बहुत ही शानदार है। इन्होंने भाई जो श्रीलंका में एशिया कप मतलब कबड्डी का भाई एशिया कप हुआ था, उसमें केन्या की टीम को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, तो आप इनके साथ जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि देखिए फॉर्म को ज़्यादा मैटर दीजिए, और उस कंडीशन भाई आपके लिए एफ डेनिस इनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन नजर आएंगे। कैप्टनसी की बात करें, तो कैप्टनसी मैं नगूरे को दे रहा हूँ। वीसी की बात करें, तो वीसी भाई यहाँ से सी नाम्बुसुआ को दे रहा हूँ। इसके अलावा ए ओगवांग और ओ कोफी आपके लिए दूसरे सी वीसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अभी के लिए टीम प्रिव्यू कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कुछ भी अगर चेंजमेंट होता है तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर आपको दी जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।